मनीषा रुपेता। जी हाँ, मनीषा रुपेता पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के छोटे से शहर जैगबाबाद से ताल्लुक रखने वाली मनीषा आज जिस मकाम पर हैं, वहां पहुंचने का सपना लाखों युवा देखते हैं। मगर मनीषा ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से जिस शिखर को छुआ है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मनीषा ने सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 468 उम्मीदवारों में 16वां स्थान हासिल किया। इस परीक्षा को पास कर वो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी। मनीषा का डीएसपी बनने तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। मनीषा की प्रारंभिक शिक्षा जैगबाबाद में ही हुई। जब वो महज 13 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने हिम्मत दिखाई और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कराची आ गई। मनीषा की 3 बहनें MBBS डॉक्टर हैं, जबकि उनका छोटा भाई भी मेडिकल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। मनीषा अपने छोटे भाई को ही अपने लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन मानती हैं। बहनों की तरह ही मनीषा ने भी MBBS की परीक्षा दी थी, मगर वो एक नंबर कम आने की वजह से परीक्षा पास नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री ली, मगर उनका मन पुलिस सेवा में जाने का था, इसलिए उन्होंने अपने घर में किसी को बताए बिना सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और अंततः कड़ी मेहनत और लगन से परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली 26 वर्षीय मनीषा लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग भी देती हैं। उनका मानना है कि उनकी गाइडेंस से लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और इससे वो खुद भी और बेहतर करने के लिए एनकरेज होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।